दिल्ली में पार्किंग की समस्या से सिर्फ यहाँ रहने वाले लोग ही दो चार नहीं हैं, बल्कि देश और दुनिया में दिल्ली की पहचान बन चुकी मेट्रो भी इस समस्या से रूबरू है। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने इस समस्या को भी अपने ही अंदाज में सुलझा लिया। दरअसल दिल्ली मेट्रो की नई लाइन बनाने की शुरुआत जनकपुरी और कालिंदी कुंज के बीच हुई, तो इस रूट पर ओखला जामिया इलाके में जगह की कमी पड़ गई, क्योंकि दिल्ली मेट्रो को सिर्फ लाइन बनाने के लिए ही नहीं बल्कि स्टेशन और फिर ट्रेन डिपो बनाने के लिए भी जगह की जरूरत होती है। डिपो के लिए दिल्ली मेट्रो को ज्यादा जगह चाहिए होती है, क्योंकि मेट्रो के डिपो में ना सिर्फ ट्रेनों की देखरेख होती है बल्कि यहाँ उस वक्त मेट्रो ट्रेनों को पार्क किया जाता है जब वो कमर्शियल ऑपरेशन में नहीं होती है। जब मेट्रो की मर्जेंटा लाइन पर काम शुरू हुआ तो डिपो के लिए कालिंदी कुंज का इलाका तय किया गया, क्योंकि यही वो इलाका था जहाँ कुछ जगह उपलब्ध थी, लेकिन मेट्रो को मिली हुई जगह से ज्यादा जगह की जरूरत थी। मेट्रो के इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और आर्किटेक्चर की मदद से कालिंदी कुंज के साथ ही उसी से लगे हुए जसोला विहार स्टेशन के पास हवा में ही मेट्रो की पार्किंग के लिए जगह बना दी। दिल्ली मेट्रो के प्रवक्ता अनुज दयाल के मुताबिक ऐसा करने से न सिर्फ मेट्रो के लिए पार्किंग की जगह बन पाई है बल्कि इस सरफेस के नीचे मुसाफिरों के लिए भी अपनी कार और स्कूटर पार्किंग बनाई गई है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वॉइस ऑफ पीपल।